Hello students, so this is our lecture number 6, okay? This is lecture 6 और बेटा इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है? ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट आप क्या करना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर लेना, ओके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर्स की। तो बेटा इन क्लास 9 वी हैव रीड अबाउट रैशनल नंबर्स, ओके? और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? वो नंबर्स जो कि p / q के फॉर्म में लिखे जा सके, जहां पे है ना, वेयर p एंड q क्या होते थे बेटा? बिलोंग करते थे इंटीजर से, और q किसके इक्वल नहीं होता था? जीरो के इक्वल नहीं होता था। इतनी बातें हम लोगों ने जानी थी, ठीक है? और यही क्या होता है, रैशनल नंबर होता भी। मैं डेफिनेशन रीड कर देता हूँ आप लोगों के लिए। अ रैशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द कोशेंट और फ्रैक्शन पी बाय क्यू ऑफ टू इंटीजर्स पी एंड क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ओके? अब अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो जैसे फ्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ओके? यहां लिखता हूं मैं कुछ एग्जांपल, है ना? लेट सपोज पहला एग्जांपल हमने देखा 3/7। 3/7 क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है। देखो इसको अगर आप कंपेयर करो पी अपॉन क्यू से, तो p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 7। कंडीशन क्या थी कि q नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, तो ये तो हो रही है सेटिस्फाई। और p और q दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर, तो ये भी हो रहा है सेटिस्फाई। तो ये क्या हो गया? रैशनल नंबर। उसके बाद सेम एग्जांपल और लिया मैंने 2। 2 रैशनल नंबर होगा या नहीं बेटा? होगा। कैसे? अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो हम 1 मेंशन कर सकते हैं। तो देखो फिर इसको कंपेयर करो p / q से, तो ये दोनों इंटीजर हैं, ओके? और क्यों क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, 0, 0 रैशनल नंबर है या नहीं? तो बेटा 0 भी रैशनल नंबर है। 0 के अपॉन में 1 लिख दो, इसको कंपेयर करो p / q से, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ओके? और q है ना नॉट इक्वल्स टू 0। P 0 के इक्वल हो सकता है, there's no problem, but Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर वो रैशनल नंबर है तो। उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। से एक एग्जांपल और मैंने लिया 7.777। ये भी बेटा क्या है? रैशनल नंबर है, है ना? क्योंकि देखो अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी के लिए माइंड में रख लो कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है? या फिर एक और नंबर अगर हम ले लें 7.7 बार, ये भी क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है, ओके? समझ में आई ये बात अच्छे से? तो रैशनल नंबर तो आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग थोड़ा समझते हैं डेसिमल एक्सपांशन को। बेटा डेसिमल एक्सपांशन में क्या होगा? जैसे अभी जो हमने नंबर देखे, एक्चुअली में ये रैशनल कैसे हुए, इन लोगों की हम लोग बात करेंगे, ठीक है बेटा? सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल एक्सपांशन की। डेसिमल एक्सपांशन मतलब क्या? किसी भी डेसिमल नंबर का एक्सपांशन करने पे क्या रिजल्ट होता है। तो जब भी हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर को सॉल्व करते हो, ठीक है? मतलब एक नंबर मैंने ले लिया, जैसे मैंने 4/2 ले लिया और एक ले लिया 1/3। तो जब बेटा मैंने क्या किया, 4/2 को सॉल्व किया, मतलब क्या किया मैंने, 4 को डिवाइड किया 2 से, तो 2 2 4, है ना? यहाँ पर रिमाइंडर हो गया 0। मतलब क्या हुआ, मैंने डिवाइड किया तो मेरा डिवाइड क्या हो गया बेटा, ख़त्म हो गया, है ना? मतलब एक 2 का टेबल 2 टाइम बढ़ा, 4 आ गया और मुझे रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब मेरा डिवाइड ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं 1/3 की बात करूँ बेटा, देखो 1/3 को डिवाइड करना है 3 से, तो सबसे पहले तो अभी ये डिविजिबल नहीं है, तो मुझे एक डेसिमल लगाना होगा, उसके बाद 0 लगाना होगा, उसके बाद ये कितने टाइम में जाएगा बेटा, 3 टाइम में जाएगा 9, फिर कितना हो जाएगा 1। अब फिर से डेसिमल लगाया तो मैं क्या करूँगा बेटा, एक 0
लिख सकता हूँ। फिर से कितनी बार में जाएगा, 3, फिर से आ गया 9 एंड सो ऑन। ये क्या होगा बेटा, ऐसे ही चलते जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये क्या कभी खत्म होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये जो है ये खत्म हो गया और ये खत्म नहीं हुआ। तो बेटा जो खत्म हो जाए उसके लिए एक वर्ड है, टर्मिनेट कर देना, है ना। टर्मिनेट मतलब होता है खत्म हो जाना, ठीक है। दिस इज टर्मिनेटिंग, ओके। ये वो वर्ड है टर्मिनेट, ना। तो जब भी आप कोई गिवन रेशनल नंबर को सॉल्व करोगे या उसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे तो आपको दो तरीके के रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है बेटा। या तो क्या होगा बेटा, टर्मिनेटिंग होगा, या फिर बेटा होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग हुआ तो जैसे ये एग्जाम्पल हमने देखा था ना 4/2, ये किसका एग्जाम्पल है? टर्मिनेटिंग का। 1/3 किसका एग्जाम्पल है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग का, ओके। तो देखो जब भी कोई एग्जाम्पल आप देख के उसे समझ सकते हो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया 2 टर्मिनेट, टर्मिनेट 2.4 टर्मिनेट, ये भी क्या है? टर्मिनेट, टर्मिनेट हो रहे हैं ये सब। तो ये सब क्या हो गया बेटा? टर्मिनेटिंग्स हो गए, ठीक है। लेकिन वही मैं बेटा इनकी बात करूं, ये एग्जांपल्स की, जैसे 2.77 और ये 77 ऐसी कंटिन्यू है, ठीक है। या तो मैं 77 लिखते जाऊं या फिर मैं 2.7 लगा के जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा दो बेटा? बार लगा दो, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो 2.7 बार लिखा है मतलब क्या हो रहा है? 2.77777 और ऐसी चलते जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म ही नहीं हुआ। अब इसकी बात करें बेटा, ये क्या है? 2.456789 एंड सो ऑन, मतलब ये भी क्या हो रहा है? चलते ही जा रहा है, कभी खत्म नहीं हो रहा है। तो डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब बेटा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपांशन होते हैं उसके भी दो काइंड आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर इन दोनों एग्जाम्पल की बात करें तो बेटा इस एग्जाम्पल में क्या हो रहा है? एक नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न बन गया है और वो पैटर्न आफ्टर अ सर्टेन टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब इसकी बात करें हम लोग ये वाले की, तो इसमें क्या कोई पैटर्न आपको विजिबल हो रहा है? नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जहां पर क्या हो बेटा, एक मतलब क्या हो, डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर? रिपीटिंग हो रहा है ना किसी भी डिजिट का। जैसे यहाँ पे कौन रिपीट हो रहा है? 7। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलेंगे हम लोग रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग बोल सके, नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिख लो सर इसके साथ, नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है? रिपीटिंग है। तो अगर कोई नंबर बेटा क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो तो वो क्या हो जाएगा बेटा? एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन वो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग हो और क्या हो बेटा? रिपीटिंग भी नहीं हो, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो उस टाइप के नंबर्स को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल देखिए, रैशनल नंबर के लिए एग्जांपल देखिए, मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो कि रिपीट हो रहे हैं, सर 2.8 9 9 और 9 क्या हो रहा है बेटा? रिपीट होते जा रहे हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.89 के ऊपर बार, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एक और एग्जांपल देखें, 3.1212 एंड सो ऑन। अब देखो इसमें रिपीट कौन हो रहा है बेटा? ये 1 2 पूरा रिपीट हो रहा है, तो इसमें ग्रुप रिपीट हो रहा है, यहाँ पर एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, क्लियर है। तो ये क्या हो गया बेटा? रिपीटिंग के एग्जांपल्स। अगर नॉन रिपीटिंग के एग्जांपल देखें तो देखो बेटा इसमें 1.41432358 क्या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है क्या? क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपली क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? एक इरेशनल नंबर, समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो, 3.1462899, ये भी क्या हो जाएगा बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो कि हो जाएगा इरेशनल। तो ये अच्छे से बात क्लियर हो गई, डेसिमल एक्सपांशन दो टाइप के, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में दो चीजें आती है, रिपीटिंग, जो रिपीटिंग है वो रैशनल हो जाएंगे, जो नॉन रिपीटिंग है वो क्या हो जाएंगे बेटा? इरेशनल। ओके।
ओके बेटा, तो अब हम लोग देखने वाले हैं नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रैशनल नंबर्स, है ना। रैशनल नंबर के जो डेसिमल एक्सपांशन हो रहे हैं उनका नेचर देखने वाले हैं। तो वी विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। ओके, पहला एग्जांपल है बेटा 0.375। इसको हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। सिंपल है, आप लोगों ने क्लास 9 में किए भी हैं। तो इसके सॉल्यूशन की बेटा अगर मैं बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं 375 / 1, 1, 2, 3। डेसिमल के पीछे कितनी डिजिट है, 3 डिजिट। आई विल पुट 3 जीरोस हियर। अब बेटा नेक्स्ट टास्क क्या होता है, इनको आपको नंबर्स के फॉर्म में ब्रेक कर लो, है ना। जैसे इस ये जो 1000 लिखा है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ 10^3, है ना। अब ये जो नंबर लिखा है 375, तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 125। ओके, अब फिर आगे बात करें। अब ये जो 10 लिखा है, अब ये जो 10 लिखा है बेटा 10³, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 5, और इस पूरे का क्यूब मतलब 2³ और 5³। यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2³ × 5³³ / 3, और 125 क्या होता है बेटा 5³। ओके, तो 5³ से 5³ कैंसिल, तो मुझे क्या मिला 3² दैट इज 3। अभी इसे इतना ही रहने दो। ओके, 2³ की वैल्यू हम लोग नहीं लिखते हैं ना, इतना ही ध्यान में रखना आपको। अब अगले वाले को सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो 1512 / 1000, पॉइंट के पीछे 3 डिजिट, तो 3 जीरोस मैंने लगा दिया। ओके, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2³³ × 7² / 2³ / 5³। यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये 2³ से ये 2³ कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 3³ × 7² / 5³। और इसे आप लिख सकते हो बेटा, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3³ कितना होता है 27 × 7 = 189 / 5³। ओके, चलो लास्ट वाला सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा बेटा 1/4 / 100, दैट इज इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 7 × 2 / 10, ये क्या है बेटा 10² है ना। 10² को मैं लिख सकता हूँ बेटा 7 × 2³, और यहाँ पे 2² × 5², तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो 7² × 5² ठीक है, ये समझ में आया इतना, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, अगर हम लोग सबके रिजल्ट की बात करें, ठीक है, डायरेक्ट रिजल्ट की, मतलब 0.375 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3³ नेक्स्ट 1512 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 189 / 5³। अगर लास्ट वाले की बात करूँ 0.14 से मैं लिख सकता हूँ 7² × 5² अब बेटा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सब जो हमने नंबर देखे, ये कैसे नंबर्स हैं बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। देखो ध्यान से, सारे टर्मिनेटिंग है, पॉइंट के 3 डिजिट तक जा रहा है। अब कोई रिपीट तो हो नहीं रहा है ना, रिपीट होता तो नंबर आपको पता चल जाता, उसके ऊपर बार आता या फिर डॉट डॉट लगा होता, ठीक है। तो ये सब क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। तो टर्मिनेटिंग हो गए मतलब क्या हो गया बेटा, रैशनल नंबर हो गए। अब जो ध्यान देने वाली बात ये है बेटा, देखो इसका डिनोमिनेटर क्या है 2³, इसका डिनोमिनेटर क्या है 5³, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2 × 5, मतलब
अगर मैं बेटा इसे ऐसा भी लिख दूं 3 × 2³, और यहाँ पे बेटा 5 की पावर में आपसे पूछूं, यहाँ पे अगर कोई 5 लिखा हो तो उसकी पावर क्या होगी? बेटा यहाँ पे 5 की पावर क्या होगी? 0। इसकी बात करें 189, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी? 0 × 5³, और यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों लिखे हुए हैं, 2 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो हम यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं बेटा? कि जो भी टर्मिनेटिंग नंबर हो, है ना, मतलब हम बोले जो भी रैशनल नंबर हो, उनको जब आप सॉल्व करोगे, है ना, तो उसका जो डेनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई मतलब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देना है, है ना, ऐसा नहीं कि कैंसिल नहीं हो रहा डायरेक्ट देख रहे हो, पहले कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद जो आपको फाइनल आंसर मिले उसको आपको देखना है, यदि, है ना, अगर वो क्या हो बेटा, 2 या 5 की पावर में हो, या तो 2 की पावर में होना चाहिए या 5 की पावर में होना चाहिए, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओनली 2 या फिर 5 या फिर दोनों, ठीक है बेटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो गिवन नंबर है वो क्या है? रैशनल नंबर है। आप देख सकते हो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सारे रैशनल नंबर है और सब में पैटर्न सेम ही आ रहा है। देखो यहाँ पे 2³ आया था, मतलब मैं अगर बात करूँ, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दूँ ऐसा कि 2 की पावर n × 5 की पावर m, मतलब अगर इन सबका डेनोमिनेटर इस फॉर्म में होगा किसी भी रैशनल, मतलब किसी भी नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। देखो 2 की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा? 3, जहाँ पे n और m दोनों क्या है बेटा? इंटीजर्स है। n और m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, तो देखो 2³ 5 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 0, 5 का क्यूब, यहाँ पे 2 की पावर 1 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हमने कंक्लूजन क्या निकाला? अगर कोई गिवन नंबर है उसको आपको चेक करना है कि वो रैशनल है या नहीं है, तो आपको सिंपली उसका डेनोमिनेटर को चेक करना है कि वो 2 की पावर n × 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है। अगर लिख लिया आपने या लिख गया, है ना, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा एक रैशनल नंबर, ठीक है, नहीं लिखाया तो नहीं होगा। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, यहाँ से एक थ्योरम मिलेगा हमें। थ्योरम क्या है बेटा? एक थ्योरम ये है, लेट इफ एक्स बी अ रैशनल नंबर, एक्स क्या है बेटा? एक रैशनल नंबर है हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, जिसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाता है बेटा? टर्मिनेट हो जाता है। देखो टर्मिनेट हो रहा है, देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q। हम लोगों ने क्या किया, ये जो x गिवन था आपको, जो भी क्वेश्चन गिवन थे, इनको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहा, ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट किया। एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का, है ना, q की वैल्यू ये है, और इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन हो, है ना, वो किसके फॉर्म में हो बेटा? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर m, ओके, वेयर m एंड r नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। समझ में आया ये थ्योरम? ठीक है, अच्छे से क्लियर हो गया ना, ये बात अच्छे से हो गई? ओके, तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 9/80, तो 9/80 को बेटा आपको चेक करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है, ओके, तो रैशनल नंबर है या नहीं, एक चीज तो ये चेक करना है। दूसरी, अगर ये रैशनल नंबर है तो फिर इसका आपको क्या करना है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है, ना, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग चेक कर ले बेटा, ये जो डेनोमिनेटर है ये 2 की पावर m × 2 की पावर n या फिर 2 की पावर n × 2 की पावर m, कुछ भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म में लिखा है या नहीं लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, अब देखो आपस में तो कोई भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये जो लिखा है 80, इसे मैं लिख सकता हूँ बेटा 16 × 5, ओके, अब यहाँ पे 9, इस 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 2 की पावर 4, और यहाँ पे 5 की पावर क्या हो जाएगी बेटा 1 हो गया,
खत्म, क्वेश्चन खत्म। देखो हमने क्या किया, हमें क्या करना था, जो q था उसको क्या करना था बेटा, एक्सप्रेस करना था 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म में, जो कि हमने क्या कर दिया बेटा, कर दिया। तो यहाँ से पहले क्वेश्चन का तो आंसर हमें मिल गया कि ये रैशनल होगा या नहीं होगा। तो देखो ये रैशनल होगा, मतलब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो भी डेसिमल मिलेगा वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि इसको टर्मिनेट, मतलब इसको आपको सॉल्व भी करना है, डेसिमल फॉर्म में लाना भी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग इनकी जो पावर्स हैं है ना, 2 और 5 की पावर को हम लोग सेम कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कितनी है 5 की पावर 1, मुझे कितनी चाहिए 5 की पावर 4 चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा ऐसा 2 की पावर 4, यहाँ पे 5 की पावर 4 हो जाएगी और यहाँ पे इंटू कर दूंगा 5 क्यूब से, है ना। मतलब मैंने कुछ ऐसा किया, बता देता हूँ, 5 की पावर 1 थी, इसने मल्टीप्लाई कर दिया 5 क्यूब, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 3 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 5 की पावर 3 से। अभी देखो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब मैंने फर्दर सॉल्व किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 5 की पावर 4, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 × 5 इस पूरे की पावर 4, और ऊपर वाला एज इट इज लिख दिया मैंने, ओके। अब 2 × 5 कितना होता है बेटा, 2 × 5 होता है 10, मतलब 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 का मतलब क्या है बेटा, 1, 2, 3 and 4 और 9, और 5 का क्यूब 125। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, है ना। 9 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा किससे करेंगे, 125 से, तो हमें मिलेगा 1125 अपॉन में 1, 2, 3 and 4, ओके बेटा। तो हो गया सिंपल, अब तो डेसिमल में कन्वर्ट कर ही लोगे, है ना, कितने जीरोज है 1, 2, 3, 4, तो 4 डिजिट के बाद आपको डेसिमल प्लेस कर देना 1, 2, 3, 4, तो 0.1125, दिस इज योर सेकेंड आंसर। देखो इतना सिंपल था, दोनों चीज़ें बता दी, रैशनल है वो भी हो गया, और इसका डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल में जब सॉल्व करेंगे तब क्या होगा वो भी हो गया, ओके। ठीक है बेटा, अब हमें देखना है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब जस्ट इसके पहले हमने वो पढ़ा जो कि टर्मिनेट हो रहे थे, अब क्या पढ़ेंगे जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे। तो जो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे उसमें हमने दो चीज़ें देखी थी, या तो डेसिमल फॉर्म में जब लिखेंगे तो कोई नंबर क्या होगा रिपीट होगा या रिपीटिंग होगा, या तो क्या होगा नॉन रिपीटिंग होगा। तो बेटा अगर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे 17 अपॉन में 6, जब बेटा आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 2.8333 और ऐसे ही चलते रहेगा, मतलब इसमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है बेटा 3, तो मैं लिख सकता हूँ 2.83 इसके ऊपर बार, ओके। तो ये किस टाइप का बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, इसमें क्या हो रहा है आपका डेसिमल क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। इसका एक और एग्जांपल की बात करें बेटा, जो 1/7, 1/7 को आप सॉल्व करोगे 0.142857, है ना। और देखो इतने डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या करेगा बेटा, रिपीट होना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। देखो फिर से रिपीट हो गया 7 तक, फिर से वापस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 1, 4, 2, 8, 5, 7, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ कि 0.142857 इस पूरे के ऊपर बार, है ना। देखो इतना बड़ा एक ग्रुप बन गया, ग्रुप एक ग्रुप क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, ठीक है। सिंगल नंबर भी रिपीट हो सकता है, ग्रुप भी रिपीट हो सकता है। तो बेटा ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं किसके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग के। तो यहाँ से हम लोग बेटा एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, कंक्लूजन ये है कि देखो यहाँ पे क्या है बेटा, इनके जो भी डेसिमल एक्सपांशन करोगे आप, तो रिमाइंडर तो जीरो आना नहीं है, मतलब इनका जो इसका मतलब ये जो क्यू लिखा है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n
के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे नंबर जिसमें q को है ना, q मतलब आपका डेनोमिनेटर किस फॉर्म में ना हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में ना हो, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है अच्छे से? मैं आपको रीड कर देता हूँ जो थ्योरम है। ओके, थ्योरम ये है बेटा, लेट x इज इक्वल टू p by q, मतलब x के एक नंबर है जो कि किसके इक्वल है, p by q के, बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन Which is non-terminating repeating। मतलब क्या होगा, ये रैशनल नंबर तो होगा लेकिन इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा बेटा, डेसिमल एक्सपांशन होगा non-terminating but repeating। क्लियर हो गया अच्छे से? तो फाइनली जिसमें आपको जो q है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है, वो भी रैशनल नंबर है बेटा, और जिसमें ना हो वो भी रैशनल नंबर है लेकिन उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके,